ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंडर को 10 पैकेट सेंड करने हैं और इन इस मैसेज जब वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा एवरी फिफ्थ पैकेट विल बी लॉस्ट, ठीक है, दैट मीन्स वो रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। और इन दिस सिनेरियो इन द केस ऑफ स्टॉप एंड वेट गो बैक एंड लाइक सिलेक्टिव रिपीट सेंडर को टोटल कितने ट्रांसमिशन करने पड़ेंगे ताकि वो 10 के 10 हमारे पैकेट सक्सेसफुली रिसीवर पे ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, सबसे पहला केस देखते हैं हमारे पास स्टॉप एंड वेट का। स्टॉप एंड वेट बेसिकली क्या है, पहले फर्स्ट प्रोटोकॉल पहले फर्स्ट फ्रेम भेजेगा उसके लिए एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, सेकंड भेजेगा उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। सो जब उसने फर्स्ट भेजा फर्स्ट सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगा, सेकंड उसने भेजा वो भी ट्रांसमिट हो गया, थर्ड भेजा सेंडर ने वो भी पहुंच गया, फोर्थ भेजा वो भी पहुंच गया, फिफ्थ भेजा, बट जब सेंडर ने फिफ्थ भेजा दिस पैकेट विल गेट बी लाइक लॉस्ट और डैमेज्ड इन बिटवीन। अब जब ये डैमेज हो जाएगा दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये सेंडर है ये रिसीवर है ये सेंडर है ये रिसीवर, सेंडर ने फिफ्थ पैकेट भेजा था, पहले वाले सारे सक्सेसफुली रिसीव हो गए, जब फिफ्थ भेजा तो वो कहीं वो रिसीवर तक नहीं पहुंचा और वो लॉस हो गया। तो सेंडर ने उसका टाइमर स्टार्ट किया होगा, थोड़ी देर में जब उसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा, जब टाइमर एक्सपायर हो जाएगा सेंडर क्या करेगा फिफ्थ पैकेट को दोबारा भेजेगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम वो सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा फिफ्थ, फिर वो उसके फिफ्थ के बाद सिक्स भेजेगा, सिक्स के बाद सेवन भेजेगा, सेवन्थ के बाद एट्थ भेजेगा, एंड अगेन एवरी फिफ्थ पैकेट। अब ये इसके लॉस्ट होने के बाद ये पहला पैकेट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और जो नेक्स्ट पैकेट है दैट इज नाइन्थ, इट विल अगेन बी लाइक लॉस्ट। सो माइट बी ये फिफ्थ के बाद सिक्स गए होंगे, सिक्स सेवन्थ, और मैं कहता हूँ अब जो नाइन्थ पैकेट गया होगा वो भी हमारे पास रिसीवर तक नहीं पहुंचा, वो भी लॉस हो गया, इससे कोरिस्पोंडिंग में टाइमर लगा होगा और वो आउट हो जाएगा, तो सेंडर क्या करेगा इस नाइन्थ को फिर से रिसेंड करेगा, ठीक है, इस ये एरो इज शोइंग लाइक लॉस्ट, इस नाइन्थ को फिर से सेंड करेगा एंड नाइन्थ के बाद टेंथ। सो टोटल ट्रांसमिशन कितने करने पड़े मेरे पास यहां पर सेंडर को, टोटल 12 ट्रांसमिशन आर देयर, 12 पैकेट्स में से दो लॉस्ट हो गए और हमारे पास 10 सक्सेसफुली रिसीव हो गए सेंडर पर, सॉरी रिसीवर पर। अब जरा इसको केस देखते हैं, गो बैक एंड यहां पर उन्होंने मुझे विंडो दे रखी है 3, दैट मींस सेंडर विंडो इज लाइक 3, दैट मींस सेंडर क्या कर सकता है जब तक टाइमर एक्सपायर नहीं होता है उसके फर्स्ट फ्रेम का, वो 3 फ्रेम सेंड कर सकता है, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले अब अगेन फिफ्थ पैकेट लॉस होगा, फिफ्थ से पहले कोई पैकेट लॉस नहीं है, सो सबसे पहले उसने फर्स्ट पैकेट भेजा होगा, फिर उसने सेकंड भेजा, जब उसने थर्ड भेजा, फोर्थ भेजा, जब उसने फिफ्थ भेजा तो फिफ्थ विल बी लाइक लॉस्ट, ओके। ये कुछ इस तरह से रहा होगा, ये सेंडर है ये रिसीवर है, यहां पर जब उसने फिफ्थ पैकेट भेजा था, फिफ्थ पैकेट दिस लाइक फिफ्थ पैकेट, जब ये फिफ्थ पैकेट भेजा ये सेंडर पे नहीं रिसीव हुआ, ये इन बिटवीन लॉस हो गया। यहां पर इसे कोरिस्पोंडिंग टाइमर स्टार्ट किया होगा उसने, अब जब तक ये टाइमर एक्सपायर होता है तो हमारे पास गो बैक एंड क्या कहता है उसकी विंडो के साइज के इक्वल वो फ्रेम सेंड कर सकता है बिटवीन दिस टाइम आउट टाइमर, ठीक है। सो जब तक ये टाइम आउट टाइमर होगा तो तब तक वो माइट बी सिक्स भी वो सेंड कर चुका हो और वो सेवंथ भी सेंड कर चुका हो, ठीक है। सो उसने जब तक इसका टाइम आउट टाइमर होगा फिफ्थ का, उसने सिक्स और सेवंथ अपनी विंडो के उसमें सेंड कर चुका था वो, ठीक है। अब जब इसका टाइम आउट टाइमर हो जाएगा फिफ्थ का, क्योंकि वो रिसीवर पे तो पहुंचा नहीं है, वो तो लॉस हो गया, जब इसका टाइम आउट टाइमर होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके विंडो के फ्रेम है उन सभी को पूरी विंडो को रिसेंड करना पड़ेगा, दैट मींस कि वो अब फाइव तो लॉस हुआ ही है, सो फाइव को रिसेंड करेगा इस विंडो के, सिक्स को भी सेंड करेगा और सेवन को भी रिसेंड करेगा, ठीक है, और हर एक पांचवा फ्रेम लॉस होना है यहां पर। अब देखो पहला लॉस फ्रेम कौन सा था, पांचवा, उसके बाद ये फर्स्ट फ्रेम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, दिस सेवंथ विल आल्सो बी लाइक लॉस्ट। तो माइट बी एम जस्ट अज्यूमिंग ये फिर से गए होंगे, यहां पर पांचवा फ्रेम गया होगा सेवंथ, जब यहां पर ये सेवंथ फ्रेम गया है, ये सेवंथ फ्रेम गया है अगेन, ठीक है, सो दिस विल आल्सो बी लाइक लॉस्ट, दिस विल आल्सो बी लाइक लॉस्ट। जब ये लॉस होगा सो यहां पर क्या होगा, जब ये लॉस होगा तो अगेन इसका टाइमर स्टार्ट हुआ होगा, जब तक ये टाइमर एक्सपायर होता है तब तक वो एट तो नाइन्थ को भी सेंड कर चुका होगा, एट और नाइन्थ को भी, क्योंकि सेंडर विंडो क्या है अगेन 3, सो सेवंथ एट नाइन्थ इन तीन को वो सेंड कर चुका होगा। सेवंथ इज लॉस्ट सो फिर से उसको पूरी एंटायर विंडो सेंड करनी पड़ेगी, इट विल सेंड 7 8 9, ठीक है। अब अगेन दिस इज द इस ये सात के लॉस्ट होने के बाद पहला फ्रेम ये आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिस फिफ्थ विल आल्सो बी लाइक लॉस्ट, ये भी लॉस हो जाएगा, और जब तक ये लॉस होगा या इसका टाइमर एक्सपायर होगा, यहाँ की तरह जब ये नाइन्थ गया होगा यहाँ पर, जब ये नाइन्थ का टाइमर एक्सपायर होगा तब तक वो टेंथ को सेंड कर चुका होगा, और क्योंकि जब उसका नाइन्थ का टाइमर एक्सपायर हो जाएगा टेंथ के बाद तो कुछ और सेंड करने के लिए है नहीं, सो नाइन्थ का जब तक टाइमर एक्सपायर होगा वो उसको क्या करेगा, टेंथ सेंड हो चुका है, जब उसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा वो इस पूरी विंडो को फिर से रिसेंड करेगा, दैट मींस नाइन्थ और टेंथ को फिर से रिसेंड करेगा,
ठीक है. सो हाउ मेनी टोटल ट्रांसमिशन आर देयर, दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो 18 ट्रांसमिशन आर देयर. नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव रिपीट. सिलेक्टिव रिपीट के केस में उन्होंने मुझे सेंडर विंडो दी है 3. सो सेंडर विंडो एंड रिसीवर विंडो कैन बी 3 इन केस ऑफ द सिलेक्टिव रिपीट. सो सिलेक्टिव रिपीट को देख लेते हैं जरा. सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम भेजा होगा उसने, फिर उसने दूसरा फ्रेम भेजा होगा, फिर उसने तीसरा भेजा होगा, फिर उसने चौथा भेजा होगा जो कि सक्सेसफुली रिसीव हो गई है रिसीवर पर, फिर उसने फिफ्थ भेजा, फिफ्थ हो गया लॉस्ट. ये भी कुछ इस तरह से रहा होगा. ये सेंडर विंडो है, ये रिसीवर विंडो है. सेंडर ने 1 2 3 4 5 सक्सेसफुली सेंड हो गए हैं, बट जब फिफ्थ भेजा तो वो लॉस हो गया. और सेंडर विंडो क्या कहती है, आप इसका टाइमर स्टार्ट हुआ होगा, जब तक इसका टाइमर एक्सपायर हो सकता है आप 3 फ्रेम सेंड कर सकते हैं. इसने 6 भी भेजा होगा, इसने 7 भी भेजा होगा. सो ये 6 7 को भेज चुका होगा जब तक कि फिफ्थ का टाइमर एक्सपायर होगा. जब इसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा सो वो क्या करेगा, सिलेक्टिव रिपीट के केस में जो लॉस्ट फ्रेम है केवल वही रिसेंड करना है, पूरी पूरी विंडो सेंड नहीं करनी इसकी तरह. तो यहां पर वो क्या करेगा, केवल फिफ्थ को रिसेंड करेगा. सो फिफ्थ विल बी रिसेंड आफ्टर दिस टाइम आउट टाइमर, ओनली फिफ्थ. ठीक है, इसके बाद वो क्या करेगा, अब 6 7 तो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है, अब वो क्या करेगा, फिर 8th को भेजेगा, फिर 9th को भेजेगा. अब ये लॉस हुआ था 5th, ये फर्स्ट फ्रेम है, 2nd 3rd 4th 5th, फिर से 9th लॉस हो जाएगा. सो माइट बी उसने फिर से 5th के बाद 8th भेजा होगा, फिर 9th भेजा होगा, और ये इन बिटवीन दिस लाइक दिस 9th विल ऑल्सो बी लाइक लॉस्ट. जब तक ये 9th भेजेगा इसका टाइमर स्टार्ट क्या होगा, तब तक जब तक इसका टाइमर एक्सपायर होगा वो क्या करेगा, वो अपनी विंडो में इस 10 को भी सेंड कर चुका होगा. बट जब उसका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा सेंडर विल गेट टू नो, ओ 9th फ्रेम जो है वो कहीं लॉस हो गया है, उसका टाइमर एक्सपायर हो गया, सो मुझे केवल जो लॉस फ्रेम है उसी को सेंड करने की रिक्वायरमेंट है. सो ओनली 9th फ्रेम विल बी रीसेट. ओके, एंड 10 इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड. सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, दिस इज लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 टोटल फ्रेम्स नीड टू बी सेंड. ओके, वेल दिस वॉज अबाउट दिस न्यूमेरिकल. थैंक्स. वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू.